नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हरनारायण सिंह। मैं गुड़गांव स्थित एक न्यूरोसर्जन हूं। आज मैं आपसे बात करूंगा शियाटिका के बारे में। शियाटिका का जो पेन है वो ह्यूमन शरीर में एक बहुत तेज दर्द होने वाले परेशानियों में से एक है। 100 में से 2 से 3% लोगों को अपनी ज़िंदगी में इस दर्द का सामना करना पड़ सकता है, तो इसीलिए इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। शियाटिका का जो पेन है वो शियाटिक नर्व के रिलेशन में है। जहाँ जहाँ शियाटिक नर्व होती है हमारी बॉडी में, वहाँ वहाँ ये दर्द जाता है। तो शियाटिक नर्व हमारी बॉडी की सबसे बड़ी नर्व है। ये नर्व जो है हमारी जो कमर है, लंबर स्पाइन का एरिया है, वहाँ से छोटी छोटी नसों से जो निकलती हैं उनसे मिलके ये नस बनती है, और ये नस हमारी कमर से शुरू होके बटक्स के एरिया से जाती हुई फिर थाईस में, थाई के बाद काफ में, और नीचे एंकल तक, फुट तक जाती है। हर एरिया में ये आसपास की मांसपेशियों को सप्लाई करती है और वहाँ से सेंसेशंस को वापस कैरी करके जाती है। तो इससे जो दर्द होता है वो इसी नर्व के अलॉन्ग होता है। तो शियाटिका का जो पेन है वो कमर से शुरू होके बटक्स के एरिया में जाता है, फिर थाई के पीछे की तरफ, काफ के एरिया में, और नीचे फुट और एंकल तक भी जा सकता है। अब जान लेते हैं कि शियाटिका होने की संभावना किन लोगों में ज़्यादा हो सकती है। यदि आप स्मोकिंग करते हैं, अगर आप मेल हैं तो चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आप बहुत लंबे हैं, जैसे कि आदमियों में अगर आपकी हाइट जो है 6 फुट से ज़्यादा है, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, अगर आप जो है वज़न आपका ज़्यादा है, तो ये संभावना ज़्यादा है कि शियाटिका पेन आपको हो सकता है। अगर आप ऐसे व्यवसाय में हैं जिसमें आपको बार बार सामान उठाना पड़ता है, भारी सामान उठाना पड़ता है, या आप जिम जाते हैं और हैवी वेट लिफ्टिंग में हैं, तो इसके चांसेस ज़्यादा हैं कि आपको शियाटिका पेन हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि जो शियाटिका के पेन है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक रहते हैं, वो किस तरह का होता है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि शियाटिका का जो पेन है वो कमर से शुरू होता है, बटक्स के एरिया में जाता है, थाइस में जाता है, और फिर नीचे काफ और फुट एंकल तक भी जा सकता है। ये दर्द जो है ये चलने से बढ़ जाता है, और बैठने से, थोड़ा सा रिलैक्स करने से, रेस्ट करने से ये दर्द में इम्प्रूवमेंट आती है। तो ये दर्द जो है, बहुत सारे मरीज़ इसको ऐसे डिस्क्राइब करते हैं जैसे किसी ने कोई शार्प ऑब्जेक्ट, नाइफ या कोई छुरा उस एरिया में अंदर डाल दिया हो, तो इस तरह का शार्प पेन होता है। कुछ लोगों में बहुत हल्का पेन हो सकता है, कुछ लोगों में इतना ज़्यादा पेन होता है कि वो बिस्तर से हिल नहीं पाते हैं, और उनकी डेली रूटीन की जो लाइफ है वो बहुत सफ़र करती है। अब हम बात करेंगे कि इसमें अंडरलाइंग प्रॉब्लम क्या रहती है, क्यों शियाटिक नर्व में दर्द होने लगता है। तो शियाटिक नर्व में दर्द जब होगा जब उस पर सूजन आ जाएगी। ये सूजन जो है, अगर वो दबाव में होगी, अगर नस कहीं पे भी दबाव में है, या कोई भी छोटी नस जो आगे शियाटिक नर्व में जुड़ती है उस पर अगर दबाव होगा, तो उसमें सूजन आ जाती है और इस तरह का दर्द हमें देखने को मिलता है। इसका सबसे कॉमन कारण रहता है लंबर डिस्क का स्लिप होना। अगर डिस्क अपनी जगह से खिसक के स्लिप हो जाए, बाहर आ जाए उसका कुछ पार्ट, तो वो उसके पास में जो नर्व रूट होती है, जो नस होती है, उस पर दबाव डालती है। और क्योंकि वो नस स्पाइन में एक फोरामेन है, जो कि फोरामेन चारों तरफ से बोन से कवर्ड होता है, उसमें जगह बहुत कम रहती है, तो अगर डिस्क उस एरिया में आ जाए तो नस पे बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ जाता है, उसकी वजह से सूजन आ जाती है और इस तरह का दर्द हमें देखने को मिलता है। जैसे मैंने बताया कि वो जो छोटी नस है वो स्पाइन से निकलते हुए एक फोरामेन से जाती है, तो अगर वहाँ डिस्क ना हो, अगर उस एरिया की जो आसपास की जो बोन है वो थोड़ा सा बढ़ के उस नस पे दबाने लगे, तो भी दर्द आ सकता है। ऐसा होता है ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन। ऑस्टियोफाइट होता है एक छोटी सी एबनॉर्मल बोन जो पहले नहीं थी और वो अभी डेवलप हो गई है। ऐसा अगर उस फोरामेन में हो जाए तो इस तरह का दर्द शुरू हो सकता है। कुछ और रेयर कारण होते हैं, जैसे कि अगर नस के पास में ट्यूमर हो, उसकी वजह से दबाव आ रहा है, तो भी शियाटिका जैसा पेन महसूस हो सकता है। हम जानते हैं कि इसको कैसे जांचा जाता है। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर आपको इस तरह का दर्द हो रहा है तो आपको एक डॉक्टर से क्लिनिकल एग्जामिनेशन करवाना चाहिए, उसकी सलाह लेनी चाहिए। एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट। इसमें सीधा लेटा के डॉक्टर आपकी टांग को ऊपर करेगा, तो उससे सेम तरह का दर्द आना चाहिए जिस तरह से आपको चलने पे आता है। डॉक्टर आपका मांसपेशियों की ताकत और जो सेंसेशंस है कि आपको पैरों में पूरी सेंसेशंस है या नहीं है, ताकत पूरी है या नहीं है, ये भी चेक करेंगे। इससे हमें अंदाज़ा लग सकता है कि कौन से लेवल की नर्व रूट आपकी प्रेस हो रही है और क्या कारण हो सकता है।
MRI एक अहम जांच है शियाटिका पेन को डायग्नोसिस करने के लिए, समझने के लिए कि किस लेवल पे क्या परेशानी हो रही है। ये हमें MRI से बहुत सहायता मिलती है। MRI के अलावा भी कुछ टेस्ट हैं जो इतने फ्रीक्वेंटली, इतने आमतौर पे यूज़ नहीं होते हैं। अगर MRI में हमें कोई डाउट है या MRI में जो हमें दिख रहा है वो हमारा एग्जामिनेशन में मैच नहीं हो रहा है, तो हम और कुछ टेस्ट करते हैं। ये कुछ स्पेशल तरह के कंडक्शन स्टडीज़ होती हैं जिसमें हम एक नर्व में कितनी तेज़ी से करंट जो है ट्रांसमिट होता है, जिसको हम नर्व कंडक्शन स्टडी कहते हैं, वो भी करके देख सकते हैं, जिससे हमें पता लग जाता है कि लेवल नस पे किस लेवल पे दबाव है और उसके और कोई कारण तो नहीं है। अब बात आती है ट्रीटमेंट की। देखिए, ट्रीटमेंट जो है, जो उसका कारण है, जिस वजह से नस पे सूजन आ रही है, उसके हिसाब से डिपेंड करता है। तो अगर डिस्क स्लिप होने की वजह से वो तकलीफ आ रही है, तो पहले जैसे कि हम डिस्क की मैनेजमेंट में करते हैं, पहले हम रेस्ट, दवाइयाँ, फिजियोथेरेपी, इन सब चीज़ों से ट्राई करते हैं मैनेज करने का। अगर वो तकलीफ़ उससे सेटल नहीं होती है तो फिर हम ऑपरेशन की तरफ जाते हैं। अगर डिस्क की वजह से है तो हम उस ऑपरेशन को लंबर माइक्रोडिसेक्टमी कहते हैं, जिसके बारे में मैं किसी और वीडियो में बात करूँगा। अगर वो फोरामेन में ऑस्टियोफाइट की वजह से है तो हम उस फोरामेन को, उस बोन को ड्रिल कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ताकि नर्व पे से प्रेशर हट जाए। एक और तरीका होता है इस पेन से डील करने का, जिसको हम रूट ब्लॉक कहते हैं। इसमें जो पेन स्पेशलिस्ट है, वो जो नस दबाव में है जिस पे सूजन आ गई है, उसके आसपास एक्सरे की मदद से एक सुई वहाँ डालते हैं और उसके आसपास सूजन कम करने की दवाई डाल देते हैं, जिससे कि रिलीफ आ जाता है। कई बार इस तरह का रिलीफ टेम्परेरी होता है और कई बार इस तरह का रिलीफ बहुत लॉन्ग एक्टिंग होता है। तो शियाटिका से बचने के तरीके क्या हैं? एक एक्टिव लाइफस्टाइल रखिए, एक्सरसाइज करते रहिए, अपने वजन को कंट्रोल में रखिए, और अगर आपको कोई तकलीफ हो इस तरह की लक्षण दिखें, तो एक डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लीजिए। अगर आप इस बीमारी के बारे में और जानना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जो मेरी ब्लॉग को जाता है, और उस पर आप इस बारे में और पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं।